नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिहान कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए कर आए हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो बहुत काम आने वाला है आपको, जो कि रास्ते में आपके साथ में बहुत सारा चीज़ घटना होते रहता है उसके ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए और सीखना चाहिए ताकि आपके साथ में वो चीज़ ना हो। ये चीज़ हमेशा रास्ते में आपके साथ में होता है, इसलिए ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर देखते हैं तो आपको समझ में छोटे छोटे टुकड़ों में आएगा, पूरा देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। पता है बहुत सारे टाइम में क्या करते हैं लोग, ऐसे पकड़ते हैं और ये पूरा ऐसे घूम गए, ऐसे घूम जाते हैं। तो जब आपके साथ में ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसने, मैं ऐसे जा रहा हूँ, आपको जैसे देखिए, अगर ऐसे करके कोई आपको पकड़ता है क्या होता है, इस टाइम में आपको ऐसे करके घुमाता है, समझिए मुझे ये घुमाने के लिए कोशिश किया। जब इसने मुझे पकड़ा तो इसको घुमाने का मौका नहीं देना है, इसको घुमाने का मौका नहीं देना है। जैसे ये पकड़ा, पकड़ते के साथ अपना हाथ, इसके हाथ को पकड़ लेना है और क्लोज में घुस जाना है, पूरा अंदर अंदर घुस गए। अब ये देखिए मेरा कितना अच्छा पोजिशन बना हुआ है, ये अंदर घुसे, हम कहाँ पर मार रहे हैं ये देखिए, उसका नाक में, हाँ बम जोर से मारेंगे। अगर कितना बड़ा पहलवान क्यों ना हो, अगर नाक पर अगर अटैक हो तो वो छोड़ देगा। तो कैसे कर रहे हैं ये, जैसे ही मैं ऐसे समझिए वॉक कर रहा हूँ, ये वॉक कर रहा हूँ और ये पीछे से होल्ड कर लिया, जैसे ये मैं अभी जाने वाला हूँ उसके पहले इसने होल्ड कर लिया। जैसे ही पकड़ा वो, अब इसको घुमाने का मौका नहीं देंगे। अगर आप ये घुमाने का मौका देंगे तो ये टेक्निक बड़ा ख़तरनाक है। अगर आप ऐसे सीधा रखे तब तो कुछ कर सकते हैं शायद, लेकिन अगर ये हाथ पूरा घुमाकर और ये कर लिया तो चोक भी लग सकता है, तो आपको बड़ा खतरनाक हो सकता है, आपके लिए फिर खतरा बढ़ जाएगा। तो जब ये हाथ, जैसे ही इसने पकड़ा, ये हाथ पकड़ा, घुमाने का मौका नहीं देना है। जैसे ही हाथ पकड़ा उसके हाथ को पकड़कर अंदर घुस जाओ, ये हाथ जैसे ही पकड़ा अंदर घुसे और बूम, जितना ज़ोर से आप मार सकते हैं। अब मैं ज़ोर से मारूँ तो बेचारा रोने लगेगा, तो वो नहीं करना है, जितना जोर से आप मार सकते हैं फिनिश। आप समझ सकते हैं यहाँ पर अगर ऐसे उंगली से भी मारेंगे ना तो आँख से आंसू आ जाता है और नाक तो बहना शुरू हो ही जाएगा, और यहाँ पर मैं सिर से अगर मारूँ उसके नाक पर, फिनिश। दोस्तों अभी आपको क्या करना है, ज़्यादातर आपका केस में क्या होता है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा केस में हुआ होगा, ऐसे आपको ऐसे करके पकड़ कर, और ये चीज़ पीछे से ऐसे करके बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। उस चीज़ में आप, उस सिचुएशन में आप कैसे बचेंगे, बहुत आसान ट्रिक है ये, समझने का फेर है, बहुत सारे टेक्निक होंगे लेकिन ये छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट फ्यूचर में और भी बताने वाला हूँ, पहले ये वाला आप देख लो। ऐसे जैसे मुझे ऐसे करके पकड़ा जोर से, मैं उसी वक्त जैसे ही मुझे पकड़ा, ये चीज़ जैसे ही मुझे पकड़ा मैं उसी वक्त धक्का मार के रखा हूँ। अब ये मुझे कितना भी टान रहा है, टानो जोर से, अब मैं ये जोर से पकड़ा हुआ हूँ। पकड़ने के बाद अगर समझो कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, ओपोनेंट स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तब हमें क्या करना है। अगर स्ट्रांग नहीं है तब, अगर जैसे ही पकड़ा हमें, जैसे ही पकड़ा, अगर अगर ये हमारे हाथ में कंट्रोल में आ गया तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, जोर से होल्ड, टाइट टाइट होल्ड करो, और जब तक दर्द ना हो तब तक छोड़ना मत, ठीक है। अगर फिर भी नहीं छोड़ता है, ऐसे पकड़ा, बूम बूम, यहाँ पर, यहाँ पर मार सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं छोड़ा, बहुत स्ट्रांग है, पकड़े, दांत काट लेंगे, तब तो छोड़ेगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे ही होल्ड किया, जैसे ही पकड़ा, ये पकड़ते के साथ में ही दूर रखना है, घुमाना है, नहीं घुमा, जैसे ही पकड़े ऐसे करके हम पकड़े, घूम, नहीं छोड़ा, ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ आप देख कर रह जाएंगे ना, बहुत सारे लोग देख कर रह जाएंगे अगर, तो उसका रिजल्ट ज़ीरो ही होने वाला है और कुछ नहीं। सिर्फ आप देखेंगे कि ये वाला अच्छा लगा, ये टेक्निक अच्छा लगा, ये टेक्निक अच्छा लगा, ना कोई भी कुछ भी बता रहा है उसको पहले प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से हर एक टेक्निक काम आने वाला है, जो भी अगर बताते हैं ना, हर जगह पर हर एक चीज़ काम आता है, बस आपका नज़रिया वैसा होना चाहिए। पॉजिटिव लेकर जाइएगा, पॉजिटिव टेक्निक आपके हाथ में आएगा, नेगेटिव लेकर जाइएगा, वो अगर बड़े गुरुदेव भी अगर करवा देंगे तो वो भी नेगेटिव में जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना है,
हर एक टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग सिचुएशन में आपको काम आने वाला है। एक ही टेक्निक आपको हर जगह पर काम नहीं आएगा, उसका सिचुएशन अलग हो सकता है, सामने वाला बंदा शायद समझदार हो, इस चीज़ को समझता हो, वो कुछ और कर सकता है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए हर एक टेक्निक आपके नॉलेज में रहना ज़रूरी है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, हज़ारों बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप अच्छे से इसको परफॉर्म कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। और